हूं आपके साथ प्रिया कनौजिया। नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय कार्जू रविवार को एक स्कूल के कार्यक्रम में मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम से पहले सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान काफी तल्ख लहजे में बात की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय कार्जू ने कहा कि देश में जो नेता है वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ऐसे नेताओं को चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जनता को उन्हें गोली मार देनी चाहिए। कार्जू ने कहा कि वो ना वोट देते हैं, ना उन्होंने कभी वोट दिया और ना कभी वोट देंगे। एक दो को छोड़कर देश के सभी नेता लफंगे हैं, ठग हैं, माफिया और रास्कल हैं। ये सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। जैसे पागल कुत्ते को गोली मारी जाती है, वैसे ही देश की जनता को इनको गोली मार देनी चाहिए। मंदिर निर्माण पर कहा कि राम भगवान नहीं थे तो वो आम इंसान थे, तो उनका मंदिर क्यों बने? मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मंदिर बनवा दिया जाए। ये हमारा देश की बहुत बुरा जमाना आ रहा है, क्योंकि जो ये नेता लोग हैं सभी पार्टी के, तो एक दो को छोड़ के बाकी सब ठग हैं, गुंडे हैं, लफंगे हैं, माफिया हैं, लूटर्स, डिसीवर्स, रोग, रास्कल्स। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। इनको कोई वास्तविक देश से प्रेम नहीं है, सब बस सत्ता और पैसे के चक्कर में हैं, और ये जनता को बांटते हैं, पोलराइज करते हैं, नफरत फैलाते हैं जात बिरादरी के नाम पे, ताकि वोट मिले। दस्तक टीवी के लिए मुरादाबाद से मिर्जा गालिब की रिपोर्ट। होली का त्योहार नजदीक आता देख अवैध शराब कारोबारियों में इस गोरख धंधे को अंजाम देने के लिए काफी सक्रियता आनी शुरू हो गई है। इसी क्रम में तरिया सुजान थाने के प्रभारी थाना अध्यक्ष सुशील शुल्क ने अपनी टीम के साथ एक बड़ी सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां तस्दीक करते हुए सक्रिय हुई तरिया सुजान थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग करना शुरू कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने एक कैंटर आते देखा, जिसके बाद उसने रोकने का प्रयास किया तो कंटेनर का ड्राइवर स्पीड में भागने लगा। पुलिस कर्मियों ने गाड़ाबंदी कर किसी तरह से कंटेनर को रोकने की कोशिश की। जब पूछताछ किया तो कंटेनर में बाहर से परचून का सामान लोड किया गया था, जिससे पुलिस की आंखों में धूल झोंकी जा सके। लेकिन पुलिस कर्मियों ने कंटेनर की तलाशी लेनी शुरू की तो उसमें हरियाणा निर्मित क्रेजी रोमियो ब्रांड अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया। कंटेनर के अंदर 467 पेटी में 22,416 सीसी अंग्रेजी बरामद शराब की। बरामद अंग्रेजी शराब लगभग 4,035 लीटर है, जिसकी कीमत 18 लाख रुपए होती है। साथ ही पुलिस ने इस गोरख धंधे में संलिप्त दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने दो कट्टा और 4 कारतूस भी बरामद किए हैं। हम लगातार दबिश दे रहे हैं। सूचना मिली थी कि कुछ माफिया लोग एक गाड़ी लोड करके हरियाणा से आने वाली है। उसके बाद मैं उस प्रयास में लगा था, किसी तरीके से कल रात में उस गाड़ी को मुखबिरों की मदद से इंस्पेक्टर तरिया सुजान, चौक इंचार्ज तरिया सुजान को लेकर के दबिश दी गई, गाड़ी मौके पर पकड़ी गई। दस्तक टीवी के लिए कुशीनगर से गुड्डू कुमार की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने आगे चल रहे एलपीजी टैंकर में जोरदार टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने आगे चल रहे एलपीजी टैंकर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस में यात्रा कर रहे एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। इसी दौरान टैंकर से गैस लीकेज होने लगी और अचानक टैंकर में से तेज आवाज के साथ गैस निकलने लगी, जिसके बाद टैंकर में आग लग गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए मुड़ा पांडे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया है। गैस का टैंकर चल रहा था, पीछे से रोडवेज वाले ने उसमें टक्कर मार दी, उसके से रोडवेज की सवारियां काफी दर्जन तरह घायल हो गई।
पर रोडवेज कहाँ, कौन सी डिप गई थी? ये UP 77 AN 22-13। कितने लोग घायल हैं सर? एक दर्जन से लगभग ऊपर सर। किस मुरादाबाद से मिर्जा गालिब की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए दस्तक टीवी के साथ।